फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे से होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन किसी वक्त ये परेशानी का भी सबब बन जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ से निकले हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है, हम लोग यहाँ पर पेट्रोल टंकी पे तेल डलवा रहे हैं और यहाँ से निकले। देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा तेज़ रेनफॉल यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो हम लोगों को पहुँचना है टाइम पर वहाँ पर। हमारी प्लेन का टाइम है 10:05 और हो रहे हैं गाइस 8:51, और यहाँ से टाइम दूरी है 1 घंटे की, और उससे पहले हमें वहाँ पर इंट्री भी करनी है 9 बजे तक, 9:05, 9:10 के अंदर अंदर में अंदर। और बारिश अपने पूरे शबाब पर है, बहुत तेज़ी से हो रही है, बिल्कुल रास्ता जाम हुआ है। और अभी तो हम लोग रोड पर हैं, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं दोनों तरफ से, अभी हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत आराम से जा रहे हैं। लेकिन गाइस, हमारी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और आगे देखिएगा ज़रूर कि क्या हाल हुआ था हमारा, हम सब कितने परेशान हुए थे। तो आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बस वीडियो पे बने रहें और आपको हम पहुँचाएँगे ज़रूर एयरपोर्ट तक, और फाइनली वहाँ से रिटर्निंग का भी दिखाएँगे और एयरपोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी उसके पहले बीच में जो रास्ते, जो हमें परेशानियों का रास्ता काटना है, उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको ये सीख मिलेगी कि हमें टाइम से पहले, हम सब यहाँ पर जहाँ जाना हो वहाँ थोड़ा टाइम से पहले जाएं कि हमें ट्रैफिक ना मिले या कोई परेशानी हो तो हम टाइम से वहाँ पहुँच सकें, उससे पहले हमें पहुँच जाना है। तो गाइज़, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, घर से लगभग 10-20 किलोमीटर के करीब जो भी है ये जगह, हमें इतना मालूमात नहीं थी, फिर भी हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट नगर और कृष्णा नगर के लगभग बीच में है, और हमें यहाँ मिलने वाली है बहुत तेज़ की बारिश, और बारिश मिल गई है और ट्रैफिक भी मिल गया ज़बरदस्त। अब हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। ये है बुद्धेश्वर चौराहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। अब मेरे भाई लोग इतना परेशान कि किस तरह से उड़ करके हम बाहर उस तरफ चले जाएं, लेकिन गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, बस दुआएं ही मांगनी है और कुछ नहीं। अब हम यहाँ से किसी सूरत से दुआएं मांगते हमारा रास्ता ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो बुद्धेश्वर तक अभी हम पहुँचे थे, अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं। आप हमारी वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पहुँचा ही देंगे आपको एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। तो चलिए, ये है हमारा कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है ये। तो यहाँ से हम अब देखिए कितनी ज़्यादा सामने हमारी गाड़ियाँ हैं, चल रही हैं हर तरफ, सभी को जल्दी मची है। ये रात के बज रहे हैं 9:04 और हो रहा है 9:04 और पहुँचना हमें टाइम पर, तो 9:20 तक एंट्री करनी है। तो गाइज, ये कैसे मुमकिन है? और ई रिक्शे वालों ने तो नाक में दम कर रखा है, तो दम क्यों ना करें, क्योंकि हर एक को होड़ है अपने घर पहुंचने की। रात का वक्त है, सभी को अपने बाल बच्चों के बीच पहुंचना है, और बसों ने तो अगल से बगल से घेर रखा है। लेकिन फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से बहुत जल्द यहाँ से हम पहुँच ही जाएंगे। तो गाइस, हमारे वीडियो पे बने रहें, आपको बहुत जल्द हम ले चल रहे हैं एयरपोर्ट। थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन यहाँ इस बीच में बहुत खूबसूरत व्यू है और बारिश भी स्लो हो गई है, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द टाइम पर पहुँच जाएंगे। और जाना है हमारे भाईजान को, और हम सब उन्हें सी ऑफ करने आए थे। तो चलें, फिर मिल गई ट्रैफिक, मौसम क्या साथ दे रहा है, ट्रैफिक भी मज़े ले रही है। तो चलें, देखिए बारिश तेज़ थी तो पानी सारे पर नालों से गिर रहा है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से सब गिर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो गया है। और यहाँ पर दिल कर रहा था उतर कर घूमें, बारिश थी पर हल्की हो गई थी।
अब हम इसके नीचे से जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं, बस हमारा इंट्री होने वाली है यहाँ पे। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर प्रवेश वर्जित, और हम यहाँ पर इंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत व्यू है, वो भी नाइट टाइम पे। यहाँ बहुत खूबसूरत है, आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा कितना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर आपको देखकर। तो आइए दिखाते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट में, पूरी लाइट से ये बना हुआ है, लोहे से बना है और लाइटों से सजा हुआ है। और हम अंदर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा दूरी पर ये हमारा ये हो गया था, हम उस तरफ थे रोड के, लेकिन हमने आपको जूम करके दिखा दिया। तो वीडियो पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड ब्लॉग आएगा और हम फाइनली आपको पहुंचा ही देंगे एयरपोर्ट पर। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।